भारत को कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर जल्द ही एक और अच्छी खबर मिल सकती है। भारत बायोटेक देश में जल्द ही नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। नागपुर में इस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज का ट्रायल किया जाएगा। नेजल वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाता है, जबकि अभी तक भारत में जिन दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है वो हाथ पर इंजेक्शन लगा कर दी जाती है। भारत बायोटेक के डॉक्टर कृष्णा इल्ला के अनुसार उनकी कंपनी ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। इस नेजल वैक्सीन में दो की बजाय सिर्फ एक ही डोज देने की जरूरत होगी। रिसर्च में पाया गया है ये काफी बेहतरीन ऑप्शन है। डॉक्टर चंद्रशेखर के अनुसार अगले दो हफ्तों में नेजल कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारे पास जरूरी सबूत है कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन इंजेक्शन दी जाने वाली वैक्सीन से बेहतर है। भारत बायोटेक जल्द ही इस ट्रायल को DCGI के सामने प्रपोजल रखेगा। जानकारी के अनुसार भुवनेश्वर, पुणे, नागपुर, हैदराबाद में भी इस वैक्सीन का ट्रायल होगा, जहां पर 18 से 65 साल के करीब 40 से 45 वॉलंटियर्स का चयन किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत बायोटेक अभी भी दो इंट्रानेसल वैक्सीन पर काम कर रहा है। दोनों ही वैक्सीन अमेरिका की है। क्या होती है नेजल वैक्सीन? आपको बता दें कि अभी तक जो भी वैक्सीन बाजार में आई है उसमें व्यक्ति के हाथ पर ही टीका लगाया जाता है, लेकिन नेजल वैक्सीन को नाक के जरिए ही दिया जाएगा, क्योंकि नाक से ही सबसे ज्यादा वायरस फैलने का खतरा रहता है। ऐसे में इस वैक्सीन के कारगर होने की ज्यादा संभावना है। वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन की रिसर्च के अनुसार अगर नाक के द्वारा वैक्सीन दी जाती है तो शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स काफी बेहतर तरीके से होता है। ये नाक में किसी तरह के इन्फेक्शन को आने से रोकता है ताकि आगे शरीर में ना फैल पाए। क्या इंजेक्शन से बेहतर साबित होगी ये वैक्सीन? एक्सपर्ट्स का मानना है अगर इस तरह के वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो कोरोना से लड़ाई में ये गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि जो इंजेक्शन लगाया जाता है उससे इंसान का सिर्फ निचला अंग ही सेफ हो पाता है, लेकिन अगर नाक के जरिए वैक्सीन दी जाती है तो उससे ऊपरी और निचला अंग दोनों ही सेफ हो जाते हैं। नेजल वैक्सीन मौजूदा वैक्सीन के मुकाबले कम खतरनाक और आसानी से दी जाने वाली वैक्सीन है, जो किसी भी इंसान के शरीर में तेजी से असर करती है। आपको बता दें कि भारत से पहले यूनाइटेड किंगडम में नेजल वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। यूके में कुल दो नेजल वैक्सीन को फेज वन का ट्रायल प्रारंभ किया जा चुका है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।